बिहार की राजधानी पटना में आज से जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी। रविवार को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में खुला अधिवेशन होने जा रहा है और जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 12 बजे दिन में होगी और बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पास होने वाले कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक 4 बजे जेडीयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार में होगी और इस बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाने की घोषणा के साथ साथ उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जबकि 11 दिसंबर को एसके मेमोरियल हॉल में जेडीयू का खुला अधिवेशन होगा और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और इस खुले अधिवेशन में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जेडीयू के खुले अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा के साथ सीएम नीतीश कुमार की ओर से किए गए कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। वे पलामू से रांची लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर के आयोजित वर्चुअल बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए और इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगले वर्ष भारत में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में चर्चा की गई है और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भी इस बैठक में शामिल हुए। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन जोहार खतियानी यात्रा पर शिवाजी मैदान में समारोह में शामिल हुए हैं और इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मंच पर सीएम हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कई लोगों को जेएमएम की सदस्यता भी दिलाई है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल से राज्य का विकास नहीं किया गया है। बुजुर्ग और विधवा हमेशा अपने हक के लिए भटकते रहे, पेंशन और राशन कार्ड के लिए तरसते रहे, लेकिन डबल इंजन की सरकार दोहन करती रही। आज भी सभी को अपना हक दिया जा रहा है, सभी वर्गों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार विधान परिषद में शीतकालीन सत्र को लेकर अहम बैठक हुई है। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा और मंत्री मंगल पांडे समेत सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता हित के सवालों को उठाया जाएगा। तो वहीं जेडीयू के संजय गांधी ने कहा कि विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के हंगामों पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को अपने काम करना चाहिए, सरकार को हमेशा सचेत रखने के लिए विपक्ष को कार्य करते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 की बैठक की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में लोग गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैक्सिको पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैक्सिको में इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने गए हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ने भारत के राजदूत और उद्योगपतियों से मुलाकात की और यूपी में निवेश का न्योता दिया। वहीं इससे पहले पलामू में सीएम हेमंत सोरेन ने जिले में चल रही विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान जिले के सभी अधिकारी सीएम के साथ बैठक में मौजूद थे और इस दौरान विकास कार्यों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखीसराय में ट्रक और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई जिससे स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना कवैया थाना क्षेत्र के बाईपास मोड़ की है और मृतक अमारा पंचायत के दिघा गांव का रहने वाला है और पशनम रोड से शादी समारोह से लौट रहा था। यूपी में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर के भाकियू प्रमुख नरेश टिकैत ने कहा कि जनता तानाशाही रवैया स्वीकार नहीं कर रही, जनता तानाशाही को पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में देखना क्या होगा कि जनता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के कैंटीन और ओपीडी में चूहों का आतंक देखने को मिला है। मरीजों और तीमारदारों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को कोई सुध नहीं। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार की हार के बाद आरजेडी नेता और कुर्नी से पूर्व विधायक अनिल सानी ने बड़ा बयान दिया है। हार के बाद सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुर्नी के चुनाव परिणाम के बाद सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल सानी ने कहा कि कुर्नी की हार से नीतीश कुमार हताशा में है और अति पिछड़ा वोट उससे अलग हो गया है।
कुर्नी चुनाव परिणाम के बाद सियासी बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी समीक्षा की बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि अब नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो गया है। अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित सभी वर्ग के लोग इससे नाराज हो गए हैं और आने वाले चुनाव में इनको और खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि कुर्नी हार की समीक्षा होगी, हर मुद्दे पर चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि उपचुनाव में हार के कई कारण हैं जिसकी चर्चा होगी। सिमडेगा जिले में जंगली हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले के अलग अलग इलाकों में हाथियों का झुंड जान माल को नुकसान पहुंचा रहा है और इधर जंगली हाथियों ने कुडेर थाना इलाके में साग चोर में एक शख्स को कुचल कर मार दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अस्सर मौके से गायब है। बताया जा रहा है कि खलिहान में रखे धान को हाथियों के खाने पर शख्स हाथी को भगाने गया था और उसी दौरान हाथी ने उसे कुचल कर मार डाला। सिमडेगा जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मैट्रिक के परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए जिला पुलिस ने एक खास पहल की है। जिले में पुलिस अंकल ट्यूटोरियल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत चयनित विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी और इसमें शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाएगा। कुल 120 शिक्षक और जिला पुलिस के पदाधिकारी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसका उद्घाटन सिमडेगा के SS पल्स प्लस 2 उच्च विद्यालय में DC और रोनिटा SP सौरभ कुमार और पदाधिकारियों ने पद दीप जला करके किया है इसका शुभारंभ। राजधानी रांची के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाती है सही आहार। साफ सफाई के नाम पर मिलता है और साफ सफाई वहां पर नहीं हो रही। सरकारी स्कूल के बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिल रहा है। व्यवस्था राजधानी रांची के सरकारी स्कूल का हाल देख करके समझ जाएंगे कि स्थिति क्या है और बच्चे जमीन पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे को टाइम पर भोजन भी नहीं मिल रहा है, बैठने का भी व्यवस्था वहां पर नहीं। धनबाद में गांधी सेवा सदन के प्रांगण में बियाड़ा के पर्व अजय अध्यक्ष विजय कुमार झा बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ अपराधियों पर CCA लगाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कर सत्याग्रह पर बैठे। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना अंतर्गत चुनाशाह बाबा मजार के आसपास बने अवैध दुकान पर अब बुलडोजर चलेगी। उपायुक्त विजय जाधव टाटा स्टील के अधिकारी और जूसको की अधिकारियों के साथ आज उपायुक्त के बाजार के आसपास के इलाकों का भ्रमण किए और सभी दुकानदारों को 4 दिन की मोहलत दी है। कहा कि 4 दिनों के अंदर में जितने अवैध दुकान है सभी हटा ले, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। झारखंड कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ 70% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। बावजूद इससे किसानों की आर्थिक दशा बेहतर नहीं हो पाई है। इसके कई मुख्य कारण हैं। पहला, मौसम की मार जिससे यहाँ के किसान हमेशा प्रभावित होते हैं। दूसरा, उत्पादित फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाना और तीसरा, उत्पादित फसल को बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना। जबकि किसानों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार का विशेष फोकस होता है, किसी काम को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट और कई योजनाएं चलाई जाती है जिससे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके, लेकिन योजना कागजों पर ही सिमट कर रह जाती है। देश भर में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है और इसी कड़ी में बाबा नगरी देवघर में भी आज लोगों का गुस्सा फूटा है। सैकड़ों अभिकर्ता और निवेशक गोल बंद होकर स्थानीय वीर कुंवर सिंह चौक पर जोरदार प्रदर्शन किए हैं। सहारा इंडिया के अभिकर्ता और निवेशक संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए। सहारा इंडिया हाई सहित सहकारिता पैसा दो किनारों से आसपास का क्षेत्र गूंज गया है और अभिकर्ता और निवेशकों की मांग है कि सहारा इंडिया द्वारा लाखों करोड़ रुपए जो जमा किए गए हैं उसका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। लखनऊ शहर में एयरपोर्ट की तर्ज पर 3 बस अड्डे बनाएंगे। चारबाग, गोमती नगर और अमौसी एयरपोर्ट को PPP मॉडल पर बनाया जाएगा और PPP मॉडल पर बस अड्डा बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। चारबाग बस अड्डे का निर्माण कर 6,784 वर्ग मीटर होगा और इसके लिए 50 करोड़ का टेंडर जारी हुआ है। गोमती नगर के विभूति खंड में 31,497 वर्ग मीटर के लिए 243 करोड़ का टेंडर जारी हुआ है। अमौसी बस अड्डे का निर्माण कार्य 20,170 वर्ग मीटर के लिए 154 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और मंत्री चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि और 20 सूत्रीय अध्यक्ष धर्मा मुर्मू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। घटना राजनगर में घटी है और बताया जा रहा है कि धर्मा मुर्मू जैसे ही घर से मेन रोड पर निकले कि उसी दौरान तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उधर आनंद फानन में पुलिस शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
लोहरदगा में सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत निष्ठा के द्वारा संचालित सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षु बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की बात सामने आई है, जिसके बाद जिला उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए वीडियो और थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिला अंतर्गत सेना थाना के समीप गुमला लोहरदगा मुख्य पथ किनारे संचालित सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत निष्ठा प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर सीख रहे 3 दर्जन बच्चियों ने केंद्र से बाहर निकलकर हंगामा किया। आसपास के ग्रामीणों का जुटाव होने पर बच्चियों ने बताया कि केंद्र के मैनेजर विक्रम सिंह शराब पीकर आकर बच्चियों से दुर्व्यवहार और अपशब्द का प्रयोग किया जाता है उनके द्वारा।